सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं, अब सरकारी नौकरियां निकलती हैं। हमारे सहारनपुर के नौजवान भी भारी संख्या में उसमें भर्ती होते हैं, पुलिस की भर्ती हो या शिक्षकों की भर्ती हो या कोई भी सरकारी भर्ती हो। नहीं तो पहले दो तीन जिलों के लोग ही भर्ती जाते थे, बाकी लोगों को ठेंगा दिखा दिया जाता था। हमने कहा नहीं चलेगा, 75 के 75 जनपदों की भर्ती होगी, और अगर कोई नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसके बाप दादों की भी प्रॉपर्टी को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम करेंगे। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था, उल्टा लगवा लटका दिया जाता है उनको। अब दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया